डिजाइनर ड्रेसेस हर एक को पसंद होते हैं वेयर करना, लेकिन जो आज मैं आपसे डिजाइनिंग शेयर कर रही हूँ ये बहुत कम बजट में आप अपना ड्रेस बना सकते हैं। और आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो पूरा देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद ज़ेब। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज वीडियो पूरा देखिएगा। और सॉरी इस बार मैंने वीडियो थोड़ा सा लेट हो गई थी, थोड़ा बिजी थी मैं, तो इसलिए वीडियो मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हम सब लड़कियों की वार्डरोब में बहुत सारे दुपट्टे होते हैं जो हमें, जैसे कि पार्टी वेयर सूट्स के दुपट्टे होते हैं, जो आपके 5-5, 6-6, 7 साल पुराने दुपट्टे होते हैं ना सूट्स, पार्टी वेयर सूट्स, किसी की फिटिंग टाइट हो गई होती है या वो शर्ट शॉर्ट हो गई होती है, बट उनके दुपट्टे तो वैसे के वैसे रहते हैं। मैंने भी अपना दुपट्टा निकाला पुराना, ये मेरे ख्याल से कम से कम 6 या 7 साल पुराना सूट होगा, ये उसका दुपट्टा है। सूट तो की लुक तो इतनी अच्छी नहीं थी, बट दुपट्टा मुझे बहुत पसंद था। अब मुझे एक फंक्शन पे भी जाना था, अब मैंने सोचा मैं इसका ड्रेस जो है रिक्रिएट करती हूँ, इस दुपट्टे के साथ में अच्छा सा फैब्रिक लेती हूँ, और जब भी बनेगा ना तो आप बिल्कुल भी, आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये दुपट्टा उसके साथ नहीं था, ये बिल्कुल सेम वैसा लगेगा। और बनकर ये सूट बहुत ही प्यारा लगेगा। और यहाँ पे मैं पहुंच गई हूँ जम्मू की खिलौनी वाली गली परगाल की शॉप पे, और इनके पास ना इस तरह के बहुत अच्छे फैब्रिक्स आपको इनके पास मिल जाते हैं। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इनकी शॉप पे कौन कौन गया हुआ है। अच्छा, जैसे आप ये वाला फैब्रिक देख रहे हो ना, फुल वर्क है इस पे, बहुत ही प्यारा इसके ना बन के इनकी लुक बहुत अच्छी आती है। अब जैसे इनका प्राइस जो मैंने वो वाला फैब्रिक बताया वो 700 रुपए पर मीटर था, और ये वाला कुछ 1,000-1,100 रुपए पर मीटर था। अगर आपको ऐसे ड्रेसेस को बजट में बनाना है, आप क्या कर सकते हो, फ्रंट आप इसकी रख सकते हो, बैक इसकी प्लेन रख दो, और बाजू भी आप इसके बना सकते हो। तो टोटल आपको 1.25 मीटर या 1.5 मीटर ही आपको फैब्रिक लगेगा शर्ट का फ्रंट और बाजू के लिए। अगर आपको पूरी शर्ट बनानी है तो वो डिपेंड करता है आपने लेंथ कितनी रखनी है, 2-2.5 मीटर। और जैसे ये वाली फैब्रिक है ना, ये वाला डिजाइनिंग भी मुझे बहुत प्यारा लगा, ये डाई करके भी बहुत अच्छी लुक आएगी इसकी। जैसे नीचे गोल्डन, जो नीचे बॉर्डर है ये इसका गोल्डन ही रहेगा, और ऊपर वाला जो है वो सारा बहुत ही अच्छी लुक आती है। इस तरह के ना सूट्स की ना एक अपनी ही लुक आती है, मुझे इस तरह के ड्रेसेस और इस तरह के फैब्रिक बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, अब मुझे जो अपने ड्रेस के साथ जो मुझे फैब्रिक चाहिए था डिजाइनिंग, तो मुझे ज्यादा हैवी में नहीं चाहिए था, मुझे उस तरह का ही डिजाइनिंग चाहिए थी जो मैं बाद में भी वेयर कर सकूं, क्योंकि इस तरह के हैवी सूट्स बहुत सारे होते हैं फिर बाद में ऐसे ही रहते। और डिपेंड करता है कि आप किस तरह के फंक्शन पे जा रहे हैं। अगर मेरी बिल्कुल क्लोज की शादी होती तो मैं थोड़ा हैवी में लेती, अब डिपेंड करता है आप किस तरह के फंक्शन में जा रहे हैं। और यहाँ पे इस तरह के दुपट्टे मिल जाएंगे, आप अपने सूट्स के साथ मैचिंग करके भी इस तरह के दुपट्टे आपको बहुत अच्छे इनके पास मिल जाते हैं। तो मेरा फैब्रिक यहाँ से डन हो गया, मैंने फैब्रिक ले लिया, और साथ में इनके पास आपको इस तरह के सूट मिल जाएंगे, दुपट्टा शर्ट, शर्ट पे फुल वर्क आएगा, दुपट्टे पे ये, इसमें कलर ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे, ये वाले कलर इनके पास हैं। और इसका प्राइस था 1700, अगर विद बॉटम लेना है तो 1900 का, और खाली अगर शर्ट और वो लेना है तो 1700। और इस तरह के फैंसी फैब्रिक आपको इनके पास बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर आप भी मेरी तरह ड्रेसेस कस्टमाइज करते हैं ना, तो ये वाली शॉप भी आपके लिए बेस्ट रहने वाली, क्योंकि इनके पास इस तरह के बहुत ही अच्छे फैंसी फैब्रिक मिल जाते हैं। और व्हाइट आइटम में, डाइएबल में, इस तरह के तो बहुत सारी कलेक्शन है इनके पास। अगर आपको है ना फ्रॉक, लहंगा वगैरह, तो बहुत अच्छी लुक आती है। और बॉटम जो मैंने इसके साथ ली थी, था बॉटम मैंने इसके साथ शंटून की ली थी, और मुझे ये शर्ट और दुपट्टा, सॉरी शर्ट और बॉटम ना मुझे 1100 का आ गया था। तो क्योंकि मैंने फ्रंट और बैक दोनों वो लिया, अगर मैं बैक प्लेन लेती ना तो मुझे 800 या कम इस रेंज में आ जाता, बट मैंने फ्रंट और बैक दोनों लिया था। तो इनका शॉप जो मैं बता दूं आपको, ये जम्मू में खिलौने वाली गली परगाल की शॉप है। भी डाइएबल है ना, ये जब डाई होगा, ये जो इसका ये कलर, जिस कलर का डाई, व्हाइट ही रहेगा ये। अच्छा। और प्लीज आप सब बताइएगा कि आप किस तरह की डिजाइनिंग और देखना चाहते हैं। इनके पास चिकनकारी में भी इस तरह के बहुत प्यारे फैब्रिक्स आए थे, मेरा भी मन कर रहा है मैं इसमें और डिजाइनिंग शेयर करूं। आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताना क्या आप चिकनकारी में भी और डिजाइनिंग देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने लास्ट 2 वीडियोज डाली थी चिकनकारी में, जो आप सबको बहुत ज्यादा पसंद आया था और बहुत ही वायरल मेरी वो वीडियो गई थी। तो अगर आप इसमें और डिजाइनिंग देखना चाहते हैं तो जरूर मुझे बताना, और किस तरह के ड्रेस डिजाइनिंग की वीडियोज आप देखना चाहते हैं, क्योंकि मैं भी चाहती हूँ कि मैं वही वाले ड्रेसेस डिजाइन करूं जो आपको भी पसंद आए, जो आप भी देखना चाहते हैं। और यहाँ पे मेरा सूट वगैरह सारे फाइनल हो गया, मैंने इसको डाई करवाने के लिए दिया था, डाई वगैरह भी सब कुछ हो गया। अब मुझे इसके साथ लेस चाहिए थी, लेस भी मुझे कुछ ज्यादा उस तरह की नहीं चाहिए थी जिससे सूट बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाए, जिसको भी मैं बाद में वेयर ना कर सकूं, क्योंकि हर एक इंसान की अपनी अपनी चॉइस होती है। मैं ज्यादा हैवी सूट में वेयर नहीं कर सकती हूँ, तो मुझे अपने सूट को थोड़ा उसी तरह से बनाना था जिसको मैं बाद में भी इजिली मैं इसको कैरी कर सकूँ।
यहाँ पे सोचकर घर से कुछ और ही आई थी कि मैं इसको किस तरह से बनाऊंगी, बट मैंने जब इनके लेस वगैरह देखी ना तो मुझे और भी अच्छे अच्छे आइडियाज आ गए। जब आपके पास चॉइस अच्छी हो ना तो आपको अच्छे अच्छे आइडियाज आ ही जाते हैं। और सबसे बड़ी बात है इनके प्राइस मुझे बहुत ही रिजनेबल लगते हैं, तो ज्यादातर मैं इन्हीं की शॉप पे आती हूँ लेस वगैरह लेने के लिए। और सबसे बड़ी उससे भी अच्छी बात है कि इनके पास ना ऑनलाइन भी अवेलेबल है, अगर आपको कोई चीज पसंद आ रही है तो आप इनसे ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अगर मैं कुछ ड्रेस बना रही हूँ, अगर आपको भी उससे हेल्प मिल सकती है तो आप भी ऑनलाइन भी इनसे आप मंगवा सकते हैं। ये भी वाली लेस बहुत प्यारी थी और ये वाली भी कुछ ट्रेंड में चल रही है, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, बट मुझे अपने ड्रेस को इतना ज्यादा हैवी नहीं करना था इसलिए मैंने ये वाली नहीं ली। और जो मैंने यहाँ से ली है वो मैं ड्रेस बनने के बाद मैं आपको बताती हूँ, और आप जरूर बताइएगा आपको वो मेरा ड्रेस बन के कैसा लगा। मेरे ड्रेस की फाइनल लुक भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगी एंड में। और साथ में मुझे अपनी सिस्टर के लिए भी पार्टी वेयर ड्रेस लेना था। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ गुप्ता कट पीस के पास, जिनके पास आपको बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको पार्टी ये फ्रॉक पैटर्न में ना ये शरारा आ जाएगा इसका, इस पे भी वर्क है। अच्छा तो प्राइस क्या आएगा इसका? 3500 लेस करके। अच्छा लेस करके वैसे क्या पड़ता है प्राइस इसका, लेस करके क्या हो जाएगा? 2800 के करीब। ठीक है, इसमें कलर ऑप्शंस और भी मिल जाएंगे, शरारे में बहुत सारे इनके पास डिजाइन और भी। ये आ जाएगा फैब्रिक आई थिंक ऑर्गेंजा टाइप में, ऑर्गेंजा टाइप का ना। और शर्ट पे भी इस शर्ट पे भी वर्क दिखा देती हूँ पास से भी आपको इस तरह से। ठीक है, अच्छा दुपट्टे पे भी फोर साइड बॉर्डर आएगा। ठीक है, अच्छा स्कर्ट है इसकी। ओके, अच्छा ठीक है, सूट ऑलरेडी इसका बहुत हैवी है तो इसलिए दुपट्टा इसका लाइट वेट में दिया है, अच्छा लग रहा है। ये स्ट्रेट पैंट में आएगा, ये भी बहुत ट्रेंड में चल रहा है आजकल। हाँ ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में था, हाँ बहुत प्यारा, ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे, डिफरेंट है। अच्छा ये बहुत प्यारा है, इसमें भी कलर ऑप्शंस और होंगे। ओके ठीक है, कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह दिए होंगे अलग अलग से, ये भी बहुत प्यारा वर्क इसका। दुपट्टा भी इसका हैवी है, मतलब फुली पार्टी वेयर सूट है ना, किसी को ब्राइडल सूट्स लेने इस तरह से बहुत प्यारा ये वाला भी। इसकी क्या रेंज आ जाएगी लेस करके? इस तरह तो लिखा है इस पे 3825, अब आप हाँ 50% लेस है इस पे। ठीक है, ये गरारे टाइप में आ गए ना, गर्लिश पैटर्न में, अच्छा है ये भी, करेब टाइप का फैब्रिक है। और ये शर्ट आएगी इसके, शर्ट भी फुली हैवी है। इसका नेक दिखा दो, इसका क्या रेंज है? अच्छा लेस करके कितने का हो जाएगा ये? 3200 का, 3200 के, और काफ़ी हैवी सूट है, सारा वर्क है इसमें। ये जो आप देख रहे हो ना इस तरह से, हाँ दुपट्टा इसका, सूट ऑलरेडी हैवी है, दुपट्टा इसका इस तरह से आएगा प्लेन। ये आ जाएगा इसका शरारा टाइप, अजस्ट। ओके, इस पे वर्क बहुत ज़्यादा हैवी, दुपट्टा भी हैवी आ जाए, दुपट्टा भी बहुत हैवी है, प्यारा है बहुत ज़्यादा, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। इसका प्राइस मैं आपको बता देती हूँ, एक 4950, 50% लेस हो जाएगा इस पे। ठीक है, इस फैब्रिक को क्या बोलते हैं? ये फुली वर्क है, स्पेस कॉर्ड टाइप आ जाएगी। ठीक है, और शर्ट इससे भी ज्यादा हैवी,
इनके पास मुझे पार्टी वेयर ड्रेसेस की कलेक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। अगर आपके घर में भी कोई शादी या फंक्शन या अगर आपने किसी को गिफ्ट देना है ना, तो आप इनसे बाय कर सकते हैं। इनके प्राइस बहुत ही रीजनेबल मुझे लगे। और जो मेरी छोटी सिस्टर के लिए मुझे ड्रेस लेना था, मैं चाह रही थी उसके लिए शरारा या गरारा या फ्रॉक लूँ, क्योंकि हमेशा आप ड्रेसेस जो वेयर करते हैं ना, आप अपनी एज के हिसाब से ही वेयर करें तो काफ़ी अच्छी लुक आती है। और इनके पास शरारा में, गरारा में, फ्रॉक में बहुत अच्छे सूट्स आपको इनके पास मिल जाएंगे। प्राइस बहुत रीजनेबल है। और मैंने इनका मोबाइल नंबर भी स्क्रीन पे दे दिया, अगर आपको कोई भी क्वारी हो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। और अगर आपको होलसेल में भी डील करना है ना, तो होलसेल में भी कैटलॉग आप इनसे ले सकते हैं। और साथ में आप इनके पास ना ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, अगर किसी को ऑनलाइन कोरियर करवाना है ना, तो प्लीज तब आप इनको कॉल ना करिए, क्योंकि ये ऑनलाइन कोरियर वगैरह नहीं करते हैं। अगर आपको इनके शॉप पे विजिट करना है या आपको कोई लोकेशन पता नहीं चल रही है, तो आप इनको कॉल इनको आप कर। इसमें आपने एक वो दिखाया था ना पाकिस्तानी पैटर्न में, वो वाला, ये वाला दिखा दो। हाँ ये वाला दिखा दो, कौन सा वाला था? हाँ ये वाला बता दो। ये भी बहुत प्यारा लगा मुझे, ये भी बहुत प्यारा लगा, ये दिखा दो। मुझे जो अपनी छोटी वाली सिस्टर के लिए पसंद आया, मैंने ये वाला लिया। ये फ्रॉक पैटर्न में था, नीचे इसका शरारा आएगा, और प्राइस इसका बहुत रीजनेबल था। 2800 का मुझे ये वाला ड्रेस जो था ये मुझे मिल गया था। A few moments later. यहाँ पे मेरा ड्रेस रेडी हो गया आ गया है। इस दुपट्टे को मैं साइड पे रख देती हूँ और आपको मैं इस ड्रेस की डिटेलिंग बता देती हूँ। इस ड्रेस को मैं वेयर करके भी बता दूंगी, पहले मैं आपको इस तरह से ड्रेस का थोड़ा समझा देती हूँ आपको। यहाँ पे जिस कलर का मेरा दुपट्टा था ना, दुपट्टे के साथ मैच करके मैंने ये शर्ट को डाई करवा दिया था। बॉटम और शर्ट दोनों ही मैंने इसको डाई करवा दी थी, और लेस वगैरह मैंने इसको इस तरह से लगाई थी। मैंने इसको ज़्यादा हाईलाइट नहीं करना था, मुझे इसको नॉर्मल ही रखना था। ज़्यादा इसको मुझे ज़्यादा कुछ पार्टी वेयर टाइप का नहीं बनाना था। इसको पर्ल्स की लेस लगा दी थी इसको मैंने हाईलाइट करने के लिए, और घेरे पे, बाजू पे मैंने सेम ही इस तरह से लेस लगा दी थी, और साइड्स पे, स्लिट्स पे भी इस तरह से पर्ल्स वाली लेस आ गई थी जो मैंने लगाई थी। अब मैं आपको इस ड्रेस को मैं आपको वेयर करके भी बता दूंगी, बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। अगर आपके पास भी पुराने दुपट्टे हैं, आप उसके साथ भी अपना न्यू पार्टी वेयर ड्रेस आप बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इसको वेयर करके बताती हूँ जी। तो ये रहा मेरे ड्रेस का फाइनल लुक आप सबके सामने। आपका बहुत ही अच्छा पार्टी वेयर ड्रेस जो आपका रेडी हो जाता है। यहाँ पे किसी भी गोल्डन क्लच के साथ, अच्छी ज्वेलरीज के साथ आप इसको वेयर कर सकते हो। और अगर आपके पास भी कोई पुराने दुपट्टे ना, हम सब लेडीज के पास कोई ना कोई दुपट्टे ऐसे जरूर हमारे वार्डरोब में होते हैं जो आपकी शादियों के पुराने दुपट्टे हो जाएंगे, या कोई ऐसे पार्टी वेयर दुपट्टे, सूट्स वगैरह जो आपने बहुत बार वेयर किया होगा और आपका मन नहीं होगा उस ड्रेस को रिपीट करने का, आप उस दुपट्टे के साथ भी अपना डिजाइनर ड्रेस बना सकते हो। यहाँ पे जो मैंने सूट बनाया था ना, इसका फ्रंट और बैक सेम ही मैंने रखवाया था। अगर आप चाहो आप इसको प्लेन भी रख सकते हो, मैंने फ्रंट और बैक दोनों सेम आ जाएंगे। और इस शर्ट को मैंने ए शेप में बनाया था, मुझे ज़्यादातर शर्ट वगैरह ए शेप में ही पहनना अच्छा लगता है, तो मैंने इसको उस पैटर्न में बनाया था। और स्लीव्स जो थी इसकी मैंने लूज लूज ही रखी थी, टाइट नहीं रखी थी मैंने इसकी, लूज ही रखी थी। और शर्ट और जो बॉटम का जो मैंने प्राइस पे किया था, जितने का मुझे मिला, ये मैंने 1100 का लिया था शर्ट और बॉटम, और डाई करने के मैंने 250 दिए थे। और दुपट्टा मुझे ना इसका बहुत पसंद था, ये दुपट्टा मुझे लगता है ये कम से कम 7 या 8 साल पुराना सूट होगा मेरा, जो ऐसे ही पड़ा था। सूट की लुक तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी क्योंकि काफ़ी पुराना हो गया था, बट दुपट्टा मुझे इसका बहुत पसंद था क्योंकि दुपट्टे पे पूरा इसमें मुकैश का काम हुआ था, बहुत प्यारा दुपट्टा था। अब आप ना, ये ड्रेस जब मैंने वेयर किया था तो लग ही नहीं रहा था कि मैंने शर्ट अलग से पहनी है और दुपट्टा अलग से लिया, बिल्कुल लग रहा था ये बिल्कुल मैंने सूट ही लिया है। बहुत ही अच्छी लुक आ रही थी। और जो लेस वगैरह लगाई है मैंने पर्ल्स वाली, ये 100 रुपीज पर मीटर थी। और जो मैंने घेरे और बाजू पे लेस लगाई है उसका प्राइस था 95 रुपीज का। तो आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि आप किस तरह से पुराने दुपट्टे जो आप, अगर आपके पास पड़े होंगे, आप उनको भी रीयूज़ कर सकते हो। उसके साथ भी आप अपना डिफरेंट सा डिज़ाइनर ड्रेस, आप अपना शादी वादी पे जाना है या कहीं एंगेजमेंट पे जाना है तो आप उसके साथ बना सकते हो। तो प्लीज़ अगर आपको मेरी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मैं और भी अच्छे अच्छे डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करूंगी। और आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग देखनी है, मैं किस तरह के ड्रेस डिज़ाइन करूं, ज़रूर बताइएगा। मार्केट में तो चिकनकारी के बहुत प्यारे प्यारे फैब्रिक्स आए हैं, अगर आप चिकनकारी में देखना चाहते हैं या कोई और डिज़ाइनिंग तो ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मुझे अपने ड्रेस को ज़्यादा हैवी नहीं बनाना था क्योंकि मैं ज़्यादा हैवी कपड़े नहीं पहन सकती हूँ, बाद में वो हमेशा मेरे वार्डरोब में ऐसे ही रहते हैं। तो इसलिए मुझे चाहिए था कुछ इस तरह का सूट जिसको मैं बाद में नॉर्मल भी मैं कहीं इसको वेयर कर सकूँ। अगर आप
आपको ईद के लिए भी ड्रेस बनाना है तो ये वाला आइडिया भी बहुत अच्छा, आप अपने लिए ईद पे भी इस तरह से ड्रेस बना सकते हो, क्योंकि ये ना ही ज़्यादा हैवी आएगा ना ही ज़्यादा लाइट है, तो इसको आप ईद वगैरह पे भी आप इसको कैरी कर सकते हो। अगर आपको अपने अब जो ईद आ रही है आप अपने ईद पे भी इस तरह की डिज़ाइनिंग आप बना सकते हो, काफ़ी अच्छी लुक लगेगी। और जिस तरह से मैंने दुपट्टा कैरी किया है ना, अगर आपके पास इस पैटर्न में नहीं है बट आपको मेरा कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है तो आप अपने दुपट्टा जो आप लेकर आप उसको इस तरह से डबल डाई करवा सकते हो, जैसे इसमें गोल्डन और स्किन कलर का कॉम्बिनेशन है ना, तो आप उसको इस तरह से भी डाई करवा सकते हो। और मार्केट में आपको इस तरह का जो होता है ना मुकेश वर्क में या गोल्डन इस तरह से ईजिली आपको मार्केट में इस तरह के दुपट्टे मिल जाते हैं 500-600 की रेंज में या इससे ज़्यादा, आई थिंक इस प्राइस में 1000 रेंज या इस तरह से कुछ आपको मिल जाएगा। तो इस पैटर्न में भी आपको मार्केट में दुपट्टे मिल जाएगा, अगर आपको ये वाला कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ रहा है तो आप इस तरह से भी आप करवा सकते हैं। तो प्लीज़ दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।